नमस्कार, मैं एलडी स्वामी। आज अब हरियाणा की मौजूदा राजनीतिक हालात पर बात करेंगे और कल से दो तीन दिन पहले से या कल से चर्चा बनी हुई है इनेलो और भाजपा में गठबंधन को लेकर। सोशल मीडिया और तमाम जो मोबाइल नेटवर्किंग पे चर्चाएं हो रही है इनेलो और भाजपा का गठबंधन हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद है मुख्य संपादक सुरेंद्र जी भाटिया। हम इनसे जानते हैं अभी ये जो चर्चाएं चल रही है क्या वाकई में ये सही है या फिर इनकी जो अंदर की बात वो क्या है। सुरेंद्र जी भाटिया नमस्कार। ऐसा स्वामी जी, राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी इनेलो से गठबंधन करेगी उसकी संभावनाएं बहुत कम है। जैसा कि कल आपने देखा होगा, करण चौटाला ने जिस ढंग से कार्यकारिणी की बैठक में यह बात कही कि भगवा के साथ हम हरा एकजुट कर लें, तो वहाँ उपस्थित जो कार्यकारिणी के सदस्य थे वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो इनेलो के वरिष्ठ नेता थे। जिस ढंग से उनका रिस्पांस था, ऐसा लगता है कि आज की जरूरत जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा इनेलो को इस गठबंधन की जरूरत है। जैसा कि परिस्थितियाँ अचानक चेंज हुई हैं परिवार में फूट के कारण, आज वो अपने कार्यकर्ताओं को शायद अपने साथ रोकने के लिए यह दाव खेला है अथवा कोई बातचीत चल रही है, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस ढंग से अनिल जैन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं उनका तुरंत रिस्पांस आया भी हम कोई गठबंधन नहीं करने जा रहे, उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का रिस्पांस आया हम गठबंधन नहीं करने जा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी व इनेलो के बीच में गठबंधन होगा। तो भाटिया जी, जैसे कल करण चौटाला ने एक मीडिया में और इतनी बड़ी कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने ये बात बोली हुई भगवा और हरा एक साथ होने वाला है, तो वो ये बात कैसे बोलते हैं जब गठबंधन की बात इनके बीच नहीं चल रही है। देखो स्वामी जी, एक बात को आप मतलब आप भी बड़े दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में है, अगर गठबंधन की बात गंभीरता से होती तो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा वहाँ आने वाले थे और वो आए, स्वयं अभय सिंह चौटाला को बात कहते। मेरे को ये लगता है इनेलो ने ये बड़ी सोची समझी एक इनेलो की एक सोची समझी चाल कह लो या सोचा समझा एक मूव कह लो भी करण चौटाला से यह बात कहलवा दी। अगर समझौता होता है तो भी उनके पक्ष में जाएगा और अगर समझौता नहीं भी होता तो ये करण चौटाला पे बात आ जाएगी भी हमने तो कही नहीं। आपको अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अशोक अरोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या अभय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस कार्यकारिणी के बाद हुई, उसमें उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। तो देखो कितनी बड़ी बात है, विक्रम चौटाला कार्यकारिणी की बैठक में कह रहे हैं, उन्होंने अपने जो कैडर है उसको एक संदेश दिया है कि हमारा समझौता होने जा रहा है। अगर कोई आम व्यक्ति आम कार्यकर्ता कहता तो शायद कार्यकर्ता उस पर विश्वास ना करते, लेकिन क्योंकि करण चौटाला परिवार का मेंबर है और कल ही उसको युवा का राष्ट्रीय संयोजक भी बनाया है, तो उनके परिवार का सदस्य भी है, उसने यहाँ तक भी कह दिया भी मैं जाके रिपोर्ट करूँगा, चौटाला साहब को रिपोर्ट करूँगा। देखो राजनीति में सब कुछ हो सकता है। अगर आप 2004 में जाओ तो इनके दोनों का आपस में समझौता था, 5 सीटों पे इनेलो लड़ी और 5 सीटों पे भाजपा ने चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं आई, और उसके बाद इनेलो का गठबंधन 2014 में भी प्रकाश सिंह बादल जी ने प्रयास किया था, खास तौर पे कुरुक्षेत्र की एक रैली थी जिसमें अभय सिंह चौटाला थे क्योंकि 2013 में चौटाला साहब को जेल हो गई थी तो वो नहीं थे, तो प्रकाश सिंह बादल चाहते थे भी समझौता हो, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं हुआ। मेरा यह मानना है अगर समझौता हुआ तो केवल इनेलो के साथ नहीं होगा, समझौता हुआ तो इनेलो अकाली दल बीजेपी का एक समझौता होगा, क्योंकि अकाली दल जो है चाहे इनेलो के साथ उसके संबंध नहीं है लेकिन प्रकाश सिंह बादल उनके पारिवारिक प्रमुख हैं चौटाला परिवार के, और उन्हीं के प्रयास से अगर कोई बात होगी तो वो भी सिरसा में रैली कर चुके हैं, कुरुक्षेत्र में रैली कर चुके हैं और वो भी कह चुके हैं भी हम जो है चुनाव लड़ेंगे। एक हरियाणा की जनता हरियाणा की राजनीति को बारीकी से समझने के लिए बड़ी जोर से कोशिश कर रही है और वो तमाम खबरें और मीडिया के
माध्यम से वो जानना चाहते हैं। तो इनेलो का तो मानते हैं कि उनके परिवार में फुटाव आने की वजह से, इनेलो कमजोर होने की वजह से वो गठबंधन की ओर प्रयास कर रहे हैं, तो बीजेपी क्यों गठबंधन करेगी इस पर थोड़ा विश्वास नहीं। बीजेपी के लिए सबसे पहले जो राष्ट्रीय स्तर पर, बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देने की जरूरत है कि पूरा देश उनके साथ आ रहा है। बीजेपी अगर हरियाणा में गठबंधन करेगी, आज बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है और कुछ सर्वे ऐसे आए हैं जिसमें 8 से लेकर 10 सीटें तक दिखा रहे हैं। अगर मान लिया पिछली बार इनकी 7 सीटें आई थी और अगर 7 और 8 सीटें भी बीजेपी हरियाणा में जीती है तो बहुत मजबूत दल है। लेकिन उनके लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो नुकसान होने जा रहा है, तो उसका ये मानना है कि उन्हें जितना लाभ हो सकता है बीजेपी अगर गठबंधन करेगी तो हरियाणा के लिए शायद नहीं करेगी, वो पूरे देश में एक संदेश देने के लिए करेगी भी हमारे साथ 30 दल आ चुके हैं, 35 दल आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसा संदेश पीछे गया था कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अलाइज हैं ये उनकी शिवसेना और अकाली दल भी उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो शिवसेना के साथ उन्होंने गठबंधन किया। उसके बाद बिहार में नीतीश कुमार को अपनी जीती हुई 5 सीटें देकर उन्होंने गठबंधन किया। तो जब पूरे देश का राज लेने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच सकती है 1 सीट अकाली दल को और 1 या 2 सीटें इनेलो को देकर वो गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन इसकी मैं पुनः अपनी बात को दोहराता हूँ, इसकी संभावनाएं बहुत कम है, राजनीति में क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। जी सही बात कहा आपने। तो दूसरा ये है, इनेलो को क्या फायदा होने वाला है, जैसे 1 सीट पे बात चल रही है, 2 सीट की बात चल रही है, तो क्या लोकसभा में ये समझौता करके विधानसभा में क्या रणनीति की जाएगी? ऐसा है, आज इनेलो को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने कैडर को अपने साथ रखने की। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ इनेलो का समझौता हो जाता है तो उसका कैडर जो उसको छोड़ के जेजेपी में भी गया है वो भी वापिस कुछ उसमें से 10%, 15%, 20% वापिस आ सकता है, क्योंकि 15 सालों से इनेलो सत्ता से बाहर है। तो कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है, कोई भी कार्यकर्ता राजनीति करता है तो वो सत्ता के लिए करता है, चाहे वो ये कहें भी हम तो जन सेवा के लिए आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल राजनीति सत्ता के लिए करते हैं। तो उन्हें इस समय अगर वो सत्ता से बाहर रहते हैं तो जिस ढंग से हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा जनहित पार्टी का हशर हुआ है, कहीं इनेलो के किसी एक भाग का हशर वो ना हो, उसे बचाना के लिए, इनेलो के लिए तो अपनी सर्वाइवल की बात है, इनेलो को अपना सर्वाइवल करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी से समझौते की जरूरत है। मैंने अपने जीवन में, मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, चौटाला परिवार को इतना नरम कभी नहीं देखा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते में, जितना नरमाई से और जितनी बार बार वो समझौते की बात कर रहे हैं, ये एक चौटाला परिवार के लिए और स्वयं ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए और अभय सिंह के लिए एक नई बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाटिया जी, आपने हमें हरियाणा की राजनीति के जो मौजूदा हालात है उसके बारे में विस्तार से बताया, और मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।